हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, बताइए कहाँ तक हम लोग किया था? एंथैल्पी ऑफ कंबशन के न्यूमेरिकल्स कराते हैं। थैंक यू। चलिए, हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर लिया था। क्वेश्चन लिखिए, द एंथैल्पी ऑफ लिख लिया। चलिए बताइए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? बताइए पहले। यस सर। देखिए, मैं आपको बताया था इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड यह है कि आप एक एक इंफॉर्मेशन को लिखिए। इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन है, तो देखिए कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो 6CO2 3H2O 15/2। नंबर टू, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना अपने रेफरेंस स्टेट में, तो हाफ ओ टू. यस, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जो आपको निकालना है? रिक्वायर्ड इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा. तो H2 है गैस, इधर तो 1 ही मोल रखते हैं, 3H2. अब देखिए अगेन ऊपर देखिए सारे लोग, कार्बन किस इक्वेशन से आएगा? सारे लोग बताइए देख के. अब देखिए इतना खराब बैच हम पूछ रहे हैं, कार्बन किस इक्वेशन में आएगा? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, 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 कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही थी क्या? भाई आवाज आ रही है सबको? यस यस सर. तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन सबको, कार्बन किस इक्वेशन से आएगा जल्दी बताएं ना सर. तो बताएं ना उस वक्त से, तो 2 × 6 प्लस H2 किस इक्वेशन से आएगा जल्दी बताइए. थर्ड इंटू 3, वेरी गुड. बेंजीन फर्स्ट से आएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ रिएक्टेंट है, माइनस कर देंगे. तो बस अब सेकंड की आपको मालूम है, 6 × −393.5, 3 × −286, और इस आपको दिया हुआ है 1 का कहाँ गया, 1 का कितना दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन −3267. क्योंकि देखिए कंबशन जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है, लेकिन आपको नेगेटिव में लेना है. बताइए ये वाला मेथड सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए. यस सर. लिख लिया? यस सर, डन. इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड से कैसे कर सकते हैं? आपको दिया हुआ बेंजीन का कंबशन, तो आपको ये आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए.
तो आपके पास आ जाएगा CO2 प्लस H2O सिक्स सी ओ टू थ्री एच टू ओ हाँ लिख लिया सारे लोग यस सर। अब आइए तो पहले बताइए ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने आपको बताया था कि तमाम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं हाँ या ना जल्दी बताइए। यस लिख सकते हैं ना। अरे क्यों चुप रहते हैं एक ही स्टूडेंट बोलते रहते हैं बेचारी यस बाकी लोग क्यों चुप हैं जल्दी बताएं आ रहा समझ में ये सेकंड मेथड ये बताया था ना अगर इंथैल्पी ऑफ ठीक है आप बताइए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन है इसका पूरा इंथैल्पी कितना दिया ये जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन है बेसिकली इसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी बोलेंगे जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस 3267। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 × −393.5 3 − 286 C6H6 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना x मान लेंगे और कल मैंने बताया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टेबल स्टेट इज जीरो याद आया सबको हाँ जाना जल्दी बताएं यस सर। तो बस x क्या है यहाँ पर हमने मान लिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन को हमने x मान लिया है तो x निकल जाएगा तो देखिए वही इक्वेशन आएगी जो उसमें तो आपको जो मेथड आसान लगे हम हर क्वेश्चन को दो मेथड से थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे आपको जो आसान लगे वो कीजिए तो यही आपको वैल्यू आ गई देखिए यही इक्वेशन है आपके देखिए यही सेम इक्वेशन है ना बोलिए हाँ या ना यस सर ठीक है किसी को कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में नो सर थैंक यू नो सर ए लॉट ऑफ थैंक्स हाँ युनीब आपको कोई डाउट है युनीब हसन नो सर ओके चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने से अभी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन पर थोड़ा कमांड कर लीजिए आपको
ये आप अपने से ट्राई कीजिए प्लीज. द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वही एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंपाउंड चेंज है. प्लीज ये अपने से कोशिश कीजिए, सब कुछ वही है, डेटा वगैरह सब वही है, बस मैं आपको कंफर्म करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ. ट्राई कर लिया आप लोगों ने? अर्पित? यस सर. हो रहा है सर? एक सेकंड बस आंसर बता. हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं ना आप? यस सर, कर रहा हूँ. ठीक ठीक ठीक.
लिख लिया यहाँ तक, पहले बताइए। यस चलिए बन गया। अच्छा चलिए, किस मेथड से आप लोग बनाए बताइए? मेथड वन। मेथड वन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल, O2 है, कार्बन जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जलेगा, वाटर बनेगा। हम इसको बैलेंस कर लेंगे बिकॉज इसको वन ही मोल रखना है। चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है आपके पास, और ऑक्सीजन आपके पास 3/2, तो चार हो गया पहला इक्वेशन। कार्बन सॉलिड है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हो गया। Required equation, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ, नहीं किसका पूछ रहा, मेथेनॉल का। मेथेनॉल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली ये सॉलिड फॉर्म में है, गैस है, और एक ऑक्सीजन है, तो हाफ लेंगे, चार हाइड्रोजन है, दो लेंगे। तो आप देखिए, सारे लोग देखिए, अब एंथैल्पी का बताइए, कार्बन किससे आएगा? सिकंड से, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस। H2 कहाँ से आएगा? थर्ड से। ऑक्सीजन को नहीं देखना है। सर क्यों नहीं देखना है? ये तरीका याद रखिए, जो एलिमेंट हर इक्वेशन में आया हो उसको नहीं लेना है, उसको चेक नहीं करना है। ये O2 हर में आया है ना, बोलो हाँ या ना सारे लोग। यस सर। इसको चेक ही मत कीजिए, वो कट छांट के सेम ही आंसर देगा। मेथेनॉल प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में कर लीजिए -1। डेल्टा एच इज इक्वल टू 2 का कितना है -393, 2 -286, -720। बताइए सबका आंसर ये आया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए, हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू। अरे नोहा के अलावा और कोई बोले ना, आया समझ में? समझ में आया, बनाया था? यस सर। थैंक यू। लिख लिया? यस सर, एक मिनट। ओके ओके, सर लिखिए। ओके चलिए, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर आइए। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कुछ और चीज अगर दिया हो आपको,
if delta F formation, standard enthalpy of formation of ethene, and delta H enthalpy of formation of ethane, Rx1 and X2 kilocalorie per mole. Then heat of hydrogenation of C2H4 is well option X plus 1 X2, X1 minus X2, X2 minus X1, X1 plus 2 X2. पहले लिखिए आप. पहले क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर. देखिए अगेन ये पहली दफा एक वर्ड आया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. देखिए ये इथीन है, इथीन में ऑब्वियसली हाइड्रोजन जोड़िएगा तो ये नाइन टेन में पढ़ा होगा अल्केन बन जाता है. पढ़ा है कि नहीं? सच सच बोलिए. अल्केन में हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. बोलिए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर. नो सर, बस यही निकालना है. तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है. जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट sum of enthalpy of formation of reactant. Product देखिए C2H6 का दिया हुआ है ना. देखिए enthalpy of formation of C2H6 कितना दिया हुआ? X2, X2 minus reactant में C2H4 का enthalpy of formation कितना दिया हुआ? X1, X1. और किसी भी element का इंडिया reference state कितना होता है? Zero. This is the answer. X2 minus X1. बताइए आया समझ में? Hello everyone. छोटा question but important. Any problem जल्दी बताइए. यस, किसी को कोई दिक्कत हुई जल्दी बताइए, कुछ तो बोलिए ना. आया समझ में? यस सर. यस सर. थैंक यू. अर्पित साहब बताइए आपको आ रहा है ना? ये बोलता ही नहीं है भाई. तो बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? कुछ तो बोलिए. यस सर. नो सर. अच्छा नहीं नहीं लिखिए, सारे लोग लिखिए. Yes, sir, done.
चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्वेश्चन वही है, हीट ऑफ हाइड्रोजन, मैं जानबूझ के दिया हूं, बस यहाँ पर सबका कंबशन दिया हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4 ईथीन निकालने को कह रहा है। पहले आप ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं बने कोई बात नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया है ना, गलत या सही ट्राई किया, पहले ये पहले बताइए। हाँ, बनना ना बनना अलग बात है, ट्राई किया सारे लोग बताएं, नोहा के अलावा कोई बोल ही नहीं रहे हैं, ट्राई किया या हाँ ठीक है ओके। अब देखिए, मैंने आपको कहा जब भी ना बने तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए आपको जो कह रहा है उसको लिख लीजिए, भाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है H2 ऐड किया, ये तो एकदम एक लाइन में आंसर आएगा। अब सच सच बताइए, इक्वेशन में तमाम का कंबशन दिया हुआ है कि नहीं, तीनों का, जल्दी बताइए। यस सर। तो अब बताइए, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ऑब्वियसली ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बराबर है, और मैंने कल ही बताया था रूल सिकर में जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो तो क्या था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट सम ऑफ, आप उसको डिटेल में ठट से भी कर सकते हैं, ऑफ प्रोडक्ट, याद है ये लाइन, बोलिए हेलो एवरीवन। अब देखिए C2H4
का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ, देखिए इथीन का दिया हुआ है -X2 हो गया। हाइड्रोजन H2 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ, -X1 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। रिएक्टेंट का आपके पास इथेन का X3 है, दिस इज द आंसर X3 -X1 -X2, दिस इज द आंसर। बोलिए आया, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ऑब्वियसली ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये सब रूल याद रखिए कि तमाम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो, आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग इक्वेशन लिखिए तो, और या डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकता है। डन, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए अब नया टॉपिक आइए, अब कुछ दो टॉपिक के बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट एंथैल्पी डालिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, लिख लिया तो बताइए। यस सर, डन डन। देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो ये होता है कि किस, मान लीजिए पहले इक्वेशन को समझिए, कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को पूरी तरह ब्रेक करके गैसियस एटम में कन्वर्ट कर देना, इसमें जो एनर्जी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। कार्बन सॉलिड है पूरी तरह गैसियस एटम में कर देना। तो यहां पर खास बात यह है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहां पर सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन भी कहलाता है, यहां दोनों कहलाएगा, यहां एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सब्लिमेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। आपके पास H2 गैस है, गैसियस एटम में कन्वर्ट करना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। H2O लिक्विड है, पूरी तरह गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। कोई भी पूछे अगर आपसे व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो और से सुने, द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड, समझा कि नहीं, कंप्लीटली टू ऑब्टेन गैसियस एटम। किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, उसको कंप्लीटली गैसेज एटम में ब्रेक करना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा। कहीं पर भी एंथैल्पी एटोमाइजेशन हो तो मॉलिक्यूल को गैसेज एटम में कन्वर्ट कर देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के नीचे आप डिफिनेशन लिखिए, देखिए द एंथैल्पी चेंज on breaking
on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase is called enthalpy of atomization. The enthalpy change on breaking one molar bond completely to obtain atom in the gas phase is called enthalpy of atomization. हाँ कुछ बोलिए लिख लिया हेलो एवरीवन नो सर नो सर लिखिए साइंटिस्ट सर लिख लिया थैंक यू अ लॉट ऑफ थैंक्स अरे क्यों वेट व्हाई जल्दी लिखिए साइंटिस्ट कहीं चली जाती हैं आप लोग यस सर डन थैंक यू अब देखिए अब मैं एग्जांपल को दोबारा अच्छे से समझाता हूँ कोई भी मॉलिक्यूल हो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो आपको इसको कम्प्लीटली ये सब इक्वेशन आना जैसे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम्बशन का इसी तरह इसका भी अब न्यूमेरिकल सब आएगा इसी को इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे कोई कहेगा कार्बन सॉलिड है कार्बन गैस ने किया तो यहाँ पर इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहलाएगी और यहाँ पर ये सब्लिमेशन इंथाल्पी भी कहलाएगी डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन Yes. Thank you. Na solid है Na gas में convert हो गया यहाँ पर enthalpy of atomization भी होगी enthalpy of sublimation भी होगी Did you understand? अगर आपके yes. पास हाँ H2 gas है तो आप इसको 2 gases atom में भी convert कर सकते हैं तो यहाँ enthalpy of atomization कहलाए चलिए लिख लो क्या आगे बढ़े यस सर थैंक यू वेरी मच
अरे बताइए ना, आप लोगों ने लिख लिया? यस अ लॉट ऑफ थैंक्स. अब देखिए, प्लीज देखिए, इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है. टॉपिक डालिए बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी, देखिए ये भी वही है. देखिए गौर से सुनिए, पहले लिख लेते हैं फिर हम समझाते हैं. ऑब्वियसली इसमें सिंपल कहेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, लेकिन आपको इक्वेशंस लिखने आने चाहिए. देखिए द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of covalent bond of gaseous molecule. इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट सिर्फ गैस फेज में होना चाहिए. बताओ बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट किस में होना चाहिए, जल्दी बताएं सारे लोग. हेलो yes. ब्रोकन यस. अब स्टूडेंट कह देते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, सही है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल अप्रोच वाला डिफिनेशन आना चाहिए. 1 mole of covalent bond of gaseous molecule is broken to form product in gas phase. इसमें भी भाई ये gaseous molecule को gaseous atom में convert करना है. अब आइए और से सुनिएगा आप अच्छे से. इसमें एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल 1 mole ऑफ बॉन्ड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन गैस फेज. यानी मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए. यस सर. अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए और से सुनिए. अगर आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है जल्दी बताइए. डाई एटॉमिक का मतलब यही दो एटम वाला, HCl O2 N2 HF OH डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है तो सुनिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगी. एक वर्ड आता है कहीं कहीं पर बॉन्ड डिसोसिएशन, एक ही टर्म हुआ तो डायटोमिक में दोनों की वैल्यू सेम ही आती. रीजन बताइए भाई. HCl में तो देखो HCl गैस है, एक ही बॉन्ड है कि नहीं जल्दी बताओ. और इसको ब्रेक करोगे तो H गैस, जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू आएगी वही बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आएगी कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना. Yes, sir. और देखो इसको हम ये भी कहेंगे एटोमाइजेशन भी कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहेंगे, और कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहेंगे. तीनों क्योंकि देखो अभी एंथैल्पी एटोमाइजेशन भी ना पड़े, गैसेस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना. बोलो यहाँ पर हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए. यस. अरे बताइए नोहा के अलावा किसी के मुंह में आवाज नहीं है क्या, बोले ना. ये नोहा पहले नहीं बोलती थी, ये बेचारी कैसे बोलने लगी हैं अल्लाह मालूम.
दवा खाई है बेचारी, मेडिसिन ली है, बोलने वाली थैंक यू अलॉट ऑफ थैंक, पहले तो बेचारी बोलती ही नहीं थी, अब ये बोलने लगी हैं तो बाकी चुप रहती हैं, दो सब में मीटिंग चल रही है क्या कि हम बोलेंगे एक दिन तुम बोलना। यहाँ देखें भाई, समझ में आया तो बताओ, यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी किसके बराबर होगी, बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, डायटोमिक मॉलिक्यूल है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ जाना। यस सर। यस सर। अब सुनो, इन द केस ऑफ पॉली एटोमिक, जिसमें दो से ज्यादा एटम, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, सुनो अच्छे से, मैं तुम्हें समझा देता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं। अब यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी बेसिकली, तो फॉर पॉलीएटोमिक के लिए प्लीज सुनना, फॉर पॉली या ऐसे एक मिनट, इन पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल, जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, CH4 हो गया, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में प्लीज देखिएगा, इन पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में ध्यान है ना सबको, अरे बोलिए, बॉन्ड एंथैल्पी इज कॉल्ड मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसे बॉन्ड एंथैल्पी ही कहा जाएगा, लेकिन मीन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। और ये कैसे आएगा तो गौर से सुनिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, डिवाइडेड बाय जल्दी बताएं, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो एवरीवन। यस सर। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो, CH4 गैस है, बताओ ये डायटोमिक है कि पॉलीएटोमिक है, जल्दी बोलो, ये डायटोमिक पॉलीएटोमिक है। देखो पूरी तरह ब्रेक करोगे तो गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ, जानते हो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहोगे, बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब यही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिवाइडेड बाय बताओ कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, चार बॉन्ड, अरे बताओ ना चार बॉन्ड है ना, तो चार से डिवाइड कर दो, ये हुआ यहाँ पर, आया कि नहीं आया। सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में चलो इसी फॉर्मूले के चलते हैं, डेल्टा एच कितना बॉन्ड है, एक बताओ एग्जैक्टली बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. ये सब टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहना चाहिए, एक ही बात है, ओवरऑल सबकी मीनिंग एक ही है, लेकिन 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 थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे अमोनिया गैस है, समझे, तो एन गैस में कन्वर्ट हुआ और 3H गैस में हुआ, बट तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो एवरेज होगी, वो तमाम स्टेप में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आया होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। बोलिए आया समझ में, हेलो एवरीवन। अच्छा बताओ PCl5 सॉलिड, PCl पी गैस में गया, 4 5 Cl गैस में गया, बताइए क्या यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी होगी, तो कहिएगा नो, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ सिर्फ कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहलाएगी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी के लिए किस स्टेट में होना चाहिए, जल्दी बोलो, गैस फेज, गैस फेज, कोई बोलिए ना, और सब बोलिए ना, समझ में आया, सबको समझ में आया, युनीब हसन तो कुछ बोलते ही नहीं है, युनीब हसन yes, sir. आ रहा है समझ में, यस यस सर। हाँ चलिए, ये डिफिनेशन लिख लिया था आप लोगों ने, पहले बताइए सर, एक सेकंड, सर लिख लिया, ये सब लोग लिख लिए थे, ये पहले बताइए, हेलो, यस सर, चलिए ये लिखिए,
Done, sir. लिख लिया? यस सर। लिख लिया स्टूडेंट? नो सर। यस सर डन। थैंक यू सर। एक मिनट। ओके। Done, sir. रूल थ्री, इस चैप्टर का रूल थ्री आइए। इफ बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन इन द प्रॉब्लम, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला तीसरा रूल आ गया, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस।
यस सर डन चलिए क्वेश्चन कीजिए लिखिए सारे लोग द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 and Cl2 are 436 kilojoule per mole and 242. Calculate the bond enthalpy of HCl if enthalpy of formation of HCl is minus 92 kilojoule per mole. लिख लिया बताइए यस सर अगेन इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है पहला मेथड वही है कि आप एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़िए देखिए पहला बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 तो इसको आपको बताया गया कि गैस इस एटम में ब्रेक होगा तो ये सब आपको आना चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 तो गैसेज एटम को गैस मॉलिक्यूल को गैसेज एटम में कन्वर्ट करना है तीसरा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl तो वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो आपके पास हाफ से यहां मल्टीप्लाइड हाफ से यहां मल्टीप्लाइड ऊपर है रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है तो आपको कह रहा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl अगेन आपको ये रखने आना चाहिए कि भाई H गैस और Cl गैस में ब्रेक होगा बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इक्वेशंस लिखने में नो सर अब डेल्टा H देखिए सारे लोग डेल्टा H कितना होगा हमें H प्रोडक्ट साइड है यहाँ भी H प्रोडक्ट साइड है तो एक H मिलेगा वन से लेकिन वन को हाफ से मल्टीप्लाइड करेंगे तभी वन आएगा Cl कहाँ से आएगा सिकंड से तो सिकंड इंटू हाफ करेंगे HCl यहाँ कहाँ से आएगा थर्ड से लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में है यहाँ प्रोडक्ट में है तो माइनस थर्ड कर देंगे तो बस 436 इंटू हाफ 242 इंटू हाफ माइनस माइनस 92 प्लस बताइए आया समझ में एक तो ये जनरल मेथड हुआ जो सारे मेथड इसी से हो रहा है कि नहीं इक्वेशन लिखिए रिक्वायर्ड लिखिए इक्वेशन बनाइए हेलो एवरीवन सब तो इसी क्वेश्चन से हो रहा है ना कल से लेकर आज तक एक मेथड हेलो कुछ तो बोलिए सबको समझ में आया ये वाला मेथड yes, अच्छा आप देखिए मेथड सेकंड क्या जो डायरेक्ट आप करना चाहते हैं भाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है ऐसी इक्वेशन जिसमें सब कुछ शामिल हो तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है अभी आपने पढ़ा तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो कि आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ HCl कहलाएगी तो कहा गया क्या था कि जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ हो तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अब ये पूरी एंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है जो फॉर्मेशन के बराबर है वो माइनस 92 है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हाफ इंटू 436 प्लस हाफ इंटू 242 माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट तो निकालने को कहा है तो हम मान लेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl को हम x मान लेंगे x इधर ले आइए तो दिस इज आसान वही इक्वेशन बनेगी जल्दी बोलिए यस सर प्लस 92 तो आपको देखिए मैंने कहा मैं सारे क्वेश्चन को दो दो दफा बता रहा हूँ जानबूझ के कि आप जनरल मेथड ये जो हर जगह एप्लीकेबल है कि आप इंफॉर्मेशन लिखिए रिक्वायर्ड लिखिए इक्वेशन बना दीजिए एक है कि उस रूल के मुताबिक कर लीजिए आपको जो अच्छा लगे वो करें आप
done sir.